तो आज का हमारा चैलेंज है कि हम लोगों को 10 मैचेस खेलने हैं हमारे टेक्नो हीरो को लेकर के, वो भी बैटल रॉयल मैप के अंदर। तो लेट्स गो गाइस, चल करके गेम खेलते हैं और आज के इस वाले चैलेंज को कंप्लीट करते हैं। तो चैलेंज के हिसाब से हम लोग सबसे पहले हमारे वीर हीरो को चेंज करके ये टेक्नो हीरो को ले लेते हैं, और ये टेक्नो हीरो का ये वाला आउटफिट कुछ दिनों पहले हमारा अनलॉक भी हुआ है। तो लेट्स गो गाइस, टेक्नो हीरो को मैंने ले लिया है, अब चल करके गेम खेलते हैं और आज के इस वाले चैलेंज को कंप्लीट करते हैं। तो इस वाले मैच के अंदर भी मैं आते के साथ पावर अप्स कलेक्ट करने लग गया था, और पावर अप्स कलेक्ट करते टाइम उतने में ही यहाँ पर एक बंदा आ जाता है, और इस बंदे को मैंने काफी अच्छा डैमेज दिया, बट पता नहीं क्यों ये सामने वाला बंदा जितना भी शॉट मार रहा था ना, वो मुझे कनेक्ट ही नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं काफी अच्छा मूवमेंट दिखा करके इस बंदे को मार रहा था, और मैंने इस बंदे का हेल्थ भी बहुत ज्यादा कम कर दिया था, और उसके बाद शॉर्ट रेंज में जाकर के मैंने फाइनली इस बंदे को फिनिश आउट भी कर दिया। अब क्या ही बशर हुआ, आप खाली देखिए, मैंने आगे के साइड में जाकर के रश किया क्योंकि मुझे ज्यादा से ज्यादा किल्स भी निकालने थे इस वाले मैच के अंदर, बट भैया मैं यहाँ पर दोनों बंदों के एकदम बीच में आ गया था, अगर दोनों बंदे मिल के मारते ना तो मैं पक्का मर जाता, बट फाइनली मैंने एक बंदे को मार दिया, उसके बाद मैंने दूसरे बंदे को भी मार दिया, और अब मुझे तीसरा बंदा भी दिख गया था, मैंने इस बंदे को भी बहुत ज्यादा डैमेज दे करके मार ही दिया। यहाँ पर मैंने पूरा पूरी 1v3 फिनिश आउट कर दिया भाई, मैंने अकेले यहाँ पर 3 बंदों को मार दिया, उसके बाद एक और बंदा आ जाता और ये बंदा रेजर हीरो लेकर के था, इस बंदे को भी मैंने डैमेज दिया और पावर अप्स यूज करके मैंने इस बंदे को भी मार दिया, और अब सिर्फ और सिर्फ लास्ट का एक ही बंदा बच रहा है जिसको मारने के बाद हम लोग इस वाले मैच को विन भी कर जाएंगे। यार इतना जल्दी यहाँ पर बंदे खत्म हुए कि मैं आपको क्या ही बताऊं। आप देख ही सकते हैं मैं यहाँ पर पावर अप्स कलेक्ट कर रहा था ताकि लास्ट वाला जो बंदा है उसको हम लोग इजिली मार दे और हम लोग इस वाले मैच को विन भी कर जाए, और वो जो लास्ट वाला बंदा था वो पता नहीं कैसे वो अपने से ही मर गया और हम लोगों ने इस वाले मैच को विन भी कर लिया। तो फर्स्ट मैच तो हम लोगों ने विन कर लिया, और अब हमारा सेकंड मैच स्टार्ट हो गया, और इस वाले मैच के अंदर भी मैंने इतना तगड़ा गेम प्ले किया ना, आप खाली देखते जाइए। तो मैं यहाँ पर पावर अप्स का वेट कर रहा था कि पावर अप्स आएंगे तो मैं कलेक्ट करूंगा, बट नीचे के साइड में जाते टाइम मुझे दो दो बंदे दिख जाते हैं, तो मैंने दोनों बंदों को काफी तगड़ा डैमेज दिया। एक बंदा जो जूगा हीरो लेकर के था मैंने उस बंदे को मार दिया, और जो दूसरा बंदा यहाँ पर रैंगो हीरो लेकर के था मैंने इस बंदे को भी काफी तगड़ा डैमेज दिया, और मेरे पास हेल्थ वाला पावर अप था तो उस हेल्थ वाले पावर अप का यूज करके मैंने इस बंदे को भी मार दिया, और यहाँ पर हमारा 2 किल्स भी कंप्लीट हो गया। और अब एक और बंदा दिख गया था जो कि जूगा हीरो लेकर के था, बट पता नहीं इस बंदे को क्या सीन था, इस बंदे ने मुझे डैमेज दिया ही नहीं और मैंने इस बंदे को मार भी दिया। और अब मुझे एक और बंदा दिख जाता और ये भी बंदा जू का हीरो लेकर के था, पता नहीं शायद से इस बंदे का नेट स्लो चल रहा था, और एक बंदा यहाँ पर ग्रास के अंदर बैठ के था, यहाँ पर दो दो बंदे जू का हीरो लेकर के थे, पहले तो ये बंदा जिसको मैंने यहाँ पर फिनिश आउट कर दिया, और एक और बंदा जो कि ग्रास के अंदर था, मैंने दोनों के दोनों बंदों को यहाँ पर फिनिश आउट कर दिया, और ऊपर के साइड में जाते टाइम एक और बंदा दिख गया था और ये भी बंदा जू का हीरो लेकर के था, यहाँ पर मुझे पावर अप्स का यूज करके मारना चाहिए था, बट थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में मैं यहाँ पर मर गया। कोई ना गाइस, चल करके थर्ड मैच खेलते हैं क्योंकि आज के इस वाले चैलेंज को हम लोग कंप्लीट करके ही रहेंगे। काफी देर लॉबी में वेट करने के बाद फाइनली हमारा थर्ड मैच भी स्टार्ट हो गया, और पावर अप्स कलेक्ट करते टाइम मुझे एक बंदा दिख जाता जो कि इस ट्रेन के कवर में बैठा होता, और ये बंदा किल शॉट हीरो लेकर के था, तो मैंने तो इस बंदे को काफी अच्छा डैमेज दिया, और ये बंदा भी कम नहीं था भाई, इस बंदे ने भी मुझे काफी तगड़ा डैमेज दिया और इस बंदे ने मुझे मार भी दिया। मैं तो सोच रहा था कि मैं इस बंदे को मार दूंगा, बट उल्टा इस बंदे ने मुझे मार दिया। तो अभी हमारा फोर्थ मैच है, और इस वाले मैच के अंदर पावर अप्स कलेक्ट करने के बाद मैं बंदे लोगों को ढूंढने लग गया था, क्योंकि अभी तक मुझे एक भी बंदा ही नहीं दिखा था। नीचे की साइड जाते टाइम मुझे एक बंदा दिख गया था जो कि जूका हीरो लेकर के था, तो मैंने दूर से इस बंदे को डैमेज दिया, और इतने में एक और बंदा आया था और उस बंदे को जूका ने मार दिया, और मैंने इस जूका वाले बंदे को मार दिया। आई होप आप समझ गए होंगे कि मैंने क्या कहा है। और अब तो पूरा पूरी बशर हो गया भाई, नीचे की साइड में 3 से 4 बंदे बैठे हुए थे, तो मैंने तो काफी तगड़ा डैमेज दिया, और एक और बंदा था जो कि रैंगो हीरो लेकर के था, और मेरा हेल्थ बहुत ज्यादा कम हो गया था, जिससे कि मुझे यहाँ पर से भागना भी पड़ा, क्योंकि अगर मैं फाइट लूंगा ना भाई तो मैं मर भी सकता था। तो मैंने अपने हेल्थ को दोबारा से रिकवर किया, और आते के साथ इस रेजर बंदे को मार दिया, और इसके बाद एक और बंदा था जो कि रेजर हीरो लेकर के था, मैंने इस बंदे को भी फिनिश आउट कर दिया, और वो रैंगो हीरो वाला बंदा भी दोबारा से आ जाता है, और मैंने इस बंदे को भी काफी तगड़ा डैमेज दे करके फिनिश आउट कर ही दिया। यहाँ पर भी मैंने 1v3 क्लच कर दिया, यार मेरा हेल्थ बहुत ज्यादा कम था, बट फिर भी मैंने अपने हेल्थ को रिकवर करके तीनों के तीनों बंदों को मार ही दिया। तो अब सिर्फ और सिर्फ लास्ट के 2 बंदे बच रहे, और मुझे एक और बंदा दिख जाता है, और इस बंदे का हेल्थ पहले से कम था, तो मैंने इस बंदे को भी मार दिया। तो मैंने यहाँ पर स्पीड वाला पावर अप का यूज करके इस बंदे को काफी ज्यादा डैमेज दिया, और ये बंदा भी बहुत ज्यादा सियाना था भाई, मैं डैमेज देकर के इस बंदे का हेल्थ को कम कर रहा हूँ, और ये बंदा बार बार हेल्थ वाला पावर अप का यूज करके अपने हेल्थ को बार बार बढ़ाया जा रहा था, और मेरे पास जितने भी हेल्थ वाले पावर अप्स थे वो सारे के सारे खत्म हो गए, और इस बंदे को मैंने फाइनली यहाँ पर मार ही दिया, और हम लोगों ने इस वाले मैच को पूरे के पूरे 6 किल्स के साथ इस वाले मैच को विन भी कर लिया। तो अब ये हमारा फिफ्थ मैच भी स्टार्ट हो गया है, और इस वाले मैच के अंदर भी आते के साथ ही मैं
नॉर्मली पावर अप्स कलेक्ट कर रहा था, बट उतने में एक बंदा दिख जाता है सामने के साइड में जो कि जेन हीरो लेकर के था। बट भाई ये बंदा भी काफी ज्यादा प्रो था, इस बंदे ने मेरा हेल्थ को बहुत ज्यादा कम कर दिया था यहाँ पर, और फिर उसके बाद मैंने इस बंदे को डैमेज दे करके फाइनली यहाँ पर इस बंदे को मार ही दिया। और अब नीचे की साइड जाते टाइम मुझे एक और बंदा दिख जाता है जो कि रेजर हीरो लेकर के था, और ये बंदा पता नहीं क्यों ये बस के कवर में जाकर के चुपचाप बैठ गया था। इस बंदे ने मुझे डैमेज भी नहीं दिया और मैंने इस बंदे को भी मार ही दिया। तो मुझे कोई और बंदा नहीं दिख रहा था तो इसलिए मैं पावर अप्स कलेक्ट कर रहा था, बट उतने में क्या दिखता है कि भाई सिर्फ और सिर्फ अब लास्ट का एक ही बंदा बच रहा है जिसको मारने के बाद हम लोग इस वाले मैच को भी विन कर जाएंगे। और तभी वो लास्ट वाला बंदा भी दिख जाता है जो कि इस ग्रास के अंदर बैठ करके अपने हेल्थ को शायद से रिकवर कर रहा था, अपने हेल्थ को बढ़ा रहा था। तो मैंने अपने पावर अप का यूज करके इस बंदे को बहुत ही अच्छा मूवमेंट दिखा करके डैमेज दिया। बट यहाँ पर क्या सीन हुआ कि मेरे पास जितने भी हेल्थ वाले पावर अप थे वो सारे के सारे खत्म हो गए, और मैं तो सोच रहा था कि मैं इस बंदे को भी मार दूंगा। इस बंदे को तो मैंने डैमेज दिया बट उल्टा इस बंदे ने मुझे यहाँ पर मार दिया, और इस बंदे ने 2 kills के साथ इस वाले मैच को विन भी कर लिया। और अब हमारा आज का 6th match भी स्टार्ट हो गया, और इस वाले मैच के अंदर आते के साथ ही मुझे एक बंदा दिख जाता है जो कि किल शॉट हीरो लेकर के था। तो मैंने इस बंदे को काफी तगड़ा डैमेज दिया, और बहुत ज्यादा तगड़ा डैमेज देने के बाद मैंने इस बंदे को मार भी दिया। और उसके बाद ही मुझे एक और बंदा दिख जाता है जो कि जू का हीरो लेकर के था, पता नहीं क्यों बट ये बंदा मुझे डैमेज नहीं दे रहा था तो मैंने इस बंदे को भी मार दिया। और फिर ऊपर के साइड जाते टाइम मुझे एक और बंदा दिख गया था, और ये बंदा जेन हीरो लेकर के था। कभी भी कोई भी बंदा अगर आपको जेन हीरो लेके दिख जाए ना तो कभी भी उसको हल्के में मत लीजिएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई ये बंदा कितने अच्छे तरीके से मुझसे फाइट कर रहा था, बट मैंने अपने पावर अप का यूज करके इस बंदे को फाइनली यहाँ पर मार ही दिया। और इस बंदे को मारने के बाद मुझे एक और बंदा दिख गया था, मेरे पास जितने भी गोली थे वो सारे के सारे गोली यहाँ पर खत्म हो गए। अब मैं कोई और बंदे से फाइट भी नहीं ले सकता, तो इसलिए मैं चुपचाप इस ग्रास के अंदर आकर के अपने हेल्थ को बढ़ाने लग गया। और अब थोड़े बहुत एमोस कलेक्ट करने के बाद मैं दोबारा से इसी साइड पर आ गया था, क्योंकि मैं इस बंदे से उस टाइम पर फाइट नहीं ले पाया था। तो मैंने इस बंदे को भी यहाँ पर मार दिया, तो मुझे एक बंदा दिख जाता है जो कि किल शॉट हीरो लेकर के था, और इस बंदे को भी मैंने मार दिया। और उसके बाद एक और बंदा था यहाँ पर, तो मैंने इस बंदे को भी मार दिया। यहाँ पर भी मैंने 1v3 clutch निकाल दिया, और अब एक और बंदा दिख गया था बट मैं इस बंदे से फाइट नहीं ले पाया क्योंकि मेरे एमोस जो है वो दोबारा से खत्म हो गए भाई। और अब क्योंकि मेरे एमोस खत्म हो गए तो मैं उस बंदे से फाइट भी नहीं ले सकता, तो इसलिए मैं चुपचाप साइड होकर के जा रहा था, बट पता नहीं कैसे उस बंदे ने मुझे मार भी दिया। तो अब हमारा आज का 7th match भी स्टार्ट हो गया, और इस वाले मैच के अंदर भी आते के साथ ही मुझे एक बंदा दिख जाता है जो कि किल शॉट हीरो लेकर के था। तो सबसे पहले तो मैं सोच रहा था कि चलो इस बंदे से फाइट लेते हैं, बट इस बंदे ने मेरा हेल्थ बहुत ही ज्यादा कम कर दिया था, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि भाई अभी रहने देते हैं, सबसे पहले थोड़े बहुत पावर अप्स कलेक्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग जाकर के फाइट लेंगे। क्योंकि अगर मैं अभी जाऊंगा ना फाइट लेने तो मैं यहाँ पर मर भी सकता हूँ, और हम लोग इस वाले मैच को भी हार सकते हैं। मेरे पास एमोस काफी कम थे तो इसलिए मैं एमोस वाले पावर अप्स कलेक्ट कर रहा था, बट उतने में एक बंदा दिख जाता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो इस बंदे को पहले मार देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग जाकर के एमोस वाले पावर अप्स कलेक्ट करेंगे। तो मैंने इस बंदे को तो मार दिया, बट मेरे पास एमोस काफी कम हो गए थे, और उतने में ही मुझे एक एमोस वाले पावर अप्स मिल गए। तो उस पावर अप को कलेक्ट करने के बाद मैंने इस जैक वाले बंदे को भी काफी तगड़ा डैमेज दिया, और इस जैक वाले बंदे को भी मैंने यहाँ पर फाइनली फिनिश आउट कर ही दिया। ये जैक वाला बंदा भी कम नहीं था भाई, इस बंदे ने भी मेरा हेल्थ को बहुत ज्यादा कम कर दिया था। और अब क्या ही खतरनाक फाइट हुआ आप कल ही देखिए, मैं नीचे के साइड में जा रहा था, एक बंदा मुझे डैमेज देने लग जाता है, तो मैंने इस बंदे को भी डैमेज दे करके यहाँ पर मार दिया। और इस बंदे को मारने के बाद मुझे एक और बंदा दिख जाता है, और पता नहीं क्यों ये बंदा जोन के अंदर जा रहा था, तो मैंने यहाँ पर इस बंदे को भी फाइनली मार दिया। और अब जो लास्ट वाला यहाँ पर सिर्फ एक बंदा बच रहा है, ये पूरा पूरी जोन के अंदर जा रहा था, तो मैंने जोन के अंदर जाकर के लास्ट वाले बंदे को भी मार दिया, और हम लोगों ने इस वाले मैच को भी यहाँ पर विन कर ही लिया। तो ये हमारा आज का 8th match है, और इस वाले मैच के अंदर क्या सीन हुआ था मुझे खुद समझ में नहीं आया। सबसे पहले तो नीचे की साइड में जाते टाइम मुझे एक बंदा दिख गया था जो कि रैंगो हीरो लेकर के था, तो मैंने इस बंदे को काफी अच्छा डैमेज दिया, और मेरे पास काफी सारे पावर अप्स भी थे। पीछे के साइड से एक और बंदा आ गया था, और मैंने यहाँ पर जितने भी फायर किए पता नहीं क्यों बट इस बंदे को यहाँ पर वो फायर का यहाँ पर डैमेज लगा ही नहीं, और उस बंदे ने उल्टा मुझे मार दिया। मतलब यार उस बंदे का मैंने हेल्थ बहुत ज्यादा कम कर दिया था, लास्ट मोमेंट में पता नहीं यहाँ पे मेरा बुलेट बहुत ज्यादा रिकॉइल होने लग गया, जिससे कि वो बंदा मरा भी नहीं और उस बंदे ने उल्टा हम लोगों को मार दिया। तो अब लास्ट के जो 2 matches बच रहे हैं वो भी हम लोग चल करके फटाफट खेल लेते हैं, फिर उसके बाद जो है हमारा आज का चैलेंज पूरा पूरी कम्प्लीट हो जाएगा। तो अब ये हमारा आज का 9th match है, और इस वाले मैच के अंदर भी मुझे एक बंदा दिख जाता है, तो मैंने इस बंदे को काफी अच्छा डैमेज दिया, और मेरे पास पावर अप्स भी थे थोड़े बहुत, तो मैंने अपने पावर अप्स का यूज करके इस बंदे को यहाँ पर बहुत अच्छा डैमेज दिया, और फाइनली बंदे को मार भी दिया। और अब मुझे दिख गया था कि सामने की साइड में 2 बंदे फाइट कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो क्यों ना चल करके बीच में थर्ड पार्टी करते हैं और
दोनों बंदों को मारते हैं। तो मैंने सबसे पहले बंदे को तो मार दिया, और उसके बाद जो दूसरा बंदा था मैंने इस बंदे को भी काफी अच्छा डैमेज दिया, और मैंने इस बंदे को भी मार दिया। यार मैंने दोनों बंदों के बीच में डूब करके दोनों बंदों को ही मार दिया। तो अब मुझे मैप से पता चला था कि नीचे के साइड में काफी सारे बंदे लोग जो है आपस में फाइट कर रहे हैं, तो इसलिए मैं नीचे की साइड में गया। और ये जो जूका हीरो वाला बंदा था, इस बंदे ने मुझे काफी अच्छा डैमेज दिया, बट फाइनली मैंने इस बंदे को मार दिया। और अब यहाँ पर बाकी के दो बंदे बच रहे थे जो कि ग्रास के अंदर वहां पर जाकर के आपस में लड़ रहे थे। ये जो दो बंदे लड़ रहे थे, मैंने बीच में डूब करके दोनों के दोनों बंदों को काफी ज्यादा डैमेज दिया, और मैंने स्किल शॉट वाले बंदे को भी मार दिया। और अब जो लास्ट वाला बंदा बच रहा था, मैंने इस बंदे को भी मार दिया। मैंने यहाँ पर भी 1v3 क्लच कर दिया। तो अब ऊपर के साइड में जाते टाइम मुझे एक और बंदा दिख जाता है, बट यहाँ पर सीन क्या है कि मेरे पास एमोज बहुत ही ज्यादा कम है और पावर अप्स भी बहुत ज्यादा कम है, बट फिर भी मैंने यहाँ पर बहुत ही अच्छा मूवमेंट दिखा करके इस बंदे को भी यहाँ पर फाइनली मार ही दिया। और अब हम लोग का पूरे के पूरे 6 kills भी कंप्लीट हो गए है। एक बंदा आ जाता है जो कि किल शॉट हीरो लेकर के था, और मेरे पास पावर अप्स बिल्कुल भी नहीं थे, बट फिर भी मैंने इस बंदे को मारने की कोशिश किया, बट उल्टा इस बंदे ने ही मुझे मार दिया। और इस वाले मैच के अंदर जो लास्ट के दो बंदे बच रहे थे भैया, दोनों के दोनों बंदे जोन के अंदर थे, और इस कोबरा 34 नाम के बंदे ने इस वाले मैच को विन कर लिया, वो भी 0 kills के साथ। तो अब ये है हमारा आज का लास्ट मैच, जिसको खेलने के बाद हमारा फाइनली आज का ये वाला चैलेंज कंप्लीट हो ही जाएगा। तो मैंने इस बंदे को काफी अच्छा मूवमेंट दिखा करके काफी अच्छा डैमेज भी दिया, बट पता नहीं क्यों ये बंदा मुझे नहीं मार रहा था, तो मैंने इस बंदे को मार ही दिया। और अब नीचे की साइड जाते टाइम मुझे दो बंदे दिख गए थे, तो यहाँ पर जो रैंगो वाला बंदा था उसने दूसरे बंदे को मार दिया, तो फिर क्या था, मैंने इस रैंगो वाले बंदे को मार दिया। यहाँ पर क्या गंदा सीन हुआ आप खाली देखिए, लास्ट के सिर्फ दो बंदे बच रहे, मुझे एक बंदा दिख गया था जो कि किल शॉट हीरो लेकर के था। मैं तो सोच रहा था कि भाई इस बंदे का नेट स्लो चल रहा है, मैं इस बंदे को मार दूंगा, बट उल्टा उसी बंदे ने मुझे मार दिया। तो ये हमारा 11th मैच का क्लिप है, मैंने 10th मैच के बाद एक और मैच खेला था, फिलहाल तो इस वाले मैच को रहने देते हैं। हम लोगों का जो आज का चैलेंज था कि हम लोगों को 10 मैचेस खेलने हैं, वो भी हमारे टेक्नो हीरो को लेकर के, फाइनली आज का हमारा चैलेंज यहाँ पर कंप्लीट हो ही गया। और आज के हमारे इस वाले चैलेंज को दिया था अभिजीत भाई ने, सो बिग शाउट आउट टू यू ब्रदर। फिलहाल तो यार लिटरली आज के इस वाले चैलेंज को कंप्लीट करने में काफी ज्यादा टाइम चला गया, और अभी मैं जब इस वाले वीडियो को एडिट कर रहा हूँ, अभी यहाँ पर सुबह के 4:15 हो रहे हैं। फिलहाल तो यार अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा आप, और आज की इस वाली वीडियो को तो यहीं तक रखते हैं। जल्दी मिलते हैं हम लोग हमारे कल एक और ब्रांड न्यू ओपी से गेमिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।